रहेंगी वो कहाँ आएंगी, वो आपकी आएंगी गिवर में, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में कैसे बता रहा है ये, कैश पेड टू रामू, कैश रामू को दिया गया कितना 500, ठीक है। रामू को पैसा दिया गया तो रामू क्या हो गया, रिसीवर हो गया, लेने वाला हो गया, तो रामू के खाते में डेबिट हो रहा है और जो देगा कैश आप खाते से जा रहा है किसी के, तो उसमें क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000। अब कैसे, बैंक दे रहा है, दे रहा है तो बैंक क्या हो गया गिवर, देने वाला, तो कैश क्या हो रहा है गिवर में जाएगा, कैश आपका, कैश आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, अब बैंक कहां जाएगा, बैंक आपका क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में इसको परमानेंट बोलते हैं, और इसमें डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो भी अंदर आ रहा है मीन्स आपके पास एड ऑन हो रहा है वो आपका डेबिट है, और क्रेडिट क्या है व्हाट गोज आउट, ठीक है। देखिएगा इसमें सबका मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है। डेबिट में रिसीवर, क्रेडिट में, यहाँ पर्सनल में डेबिट में रिसीवर, क्रेडिट में गिवर, लेने वाला और देने वाला की एंट्री, ठीक है। रियल में क्या आ रहा है, डेबिट क्रेडिट का, व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आ रहा है वो हम लोग किसमें ऐड करेंगे, डेबिट में, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको कहां पे ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 की मशीनरी खरीदे, तो मशीनरी खरीदे तो मेरे पास मशीनरी हमारे पास आ रही है, ठीक है। मशीनरी क्या हो गई, इन हो रही है, तो मशीनरी इन वाले मीन्स डेबिट में एंट्री करेंगे, और पैसा हमारे पास से जा रहा है भाई, अब जहां से खरीद रहे हैं उसको देंगे पैसा, तो पैसा जा रहा है तो कहां एंट्री होगा, क्रेडिट में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000, फर्नीचर सोल्ड किए कितने की, 50,000 की हमने फर्नीचर बेचा, ठीक है। अब हो सकता है आपकी दुकान हो, आप वहां से बेच रहे हो, ठीक है। अब फर्नीचर बेचे तो हमारे पास फर्नीचर था उसको हमने बेचा, तो फर्नीचर हमारे पास से बाहर जा रहा है, और हमने फर्नीचर कितने की बेचा, 50,000 का बेचा, तो पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो कैसे एंट्री करेंगे, कैश हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, और जो फर्नीचर था हमारे पास था वो हमारे पास से जा रहा है, तो फर्नीचर कहां होगा, क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इसको टेम्पररी अकाउंट भी बोलते हैं, इसमें इनकम लॉसेस गेन्स एक्सपेंसेस ये सारी चीजें इसमें करते हैं एंट्री। अब इसमें क्या बता रहा है, डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस हैं वो सब किस में आएगी, डेबिट में, क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम और गेन जो भी आएगा वो क्रेडिट में आता है, ठीक है। अब कैसे बता रहा है इसमें, एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, पहला एग्जांपल क्या है इसमें, रेंट पेड रुपीज 15,000, 15,000 रुपया रेंट पे किया, तो रेंट क्या है, खर्चा है हमारा, ठीक है। खर्चा किस में ऐड करेंगे, डेबिट में, तो रेंट अकाउंट कहां जाएगा, डेबिट में, और हमारे पास से कैश बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है, हमारे पास कैश था हमने पैसा किराया दे दिया, किराया दिया तो मेरे पास अब पैसा कम हो गया, और हमारे पास रेंट की फैसिलिटी आ रही है ना, वही हम कहीं मकान में थे, मकान का किराया दिया था, किराए के बदले हमको क्या, हमने किराया दिया, किराए के बदले हमको क्या मिला, हमको वो मकान वो घर मिला जिसमें हम रहेंगे, ठीक है, या फिर जो दुकान के लिए है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे क्रेडिट डेबिट में आ गया, जो रेंट का जो रेंट पे कर रहे हैं क्या है वो एक्सपेंडिचर है जिसको डेबिट में कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव रुपीज 400। अब डिस्काउंट कैसे कर रहा है, कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं, डिस्काउंट मतलब आपको कोई चीज खरीदे आप, जैसे परचेज ऑफ रुपीज 1,000 रुपए कोई चीज खरीदे और आपको उस पर कैश बैक आ गया, डिस्काउंट मिल गया, कैसे, आफ्टर डिस्काउंट आपको पेमेंट करना पड़ा 600 रुपया, मतलब आपको 400 रुपया रिफंड हो रहा है डिस्काउंट के फॉर्म में, ठीक है।
तो डिस्काउंट जो हो रहा है वो आपका इनकम हो गया। तो इनकम कहां जाता है? क्रेडिट में, ठीक है। तो कैश डेबिट कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आपके पास से डिस्काउंट जो हो रहा था वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप समझेंगे विथ एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल में। उसके पहले पहले क्या है, बुक कीपिंग डेफिनेशन है। क्या है बुक कीपिंग का डेफिनेशन? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट वाइज। डेट वाइज मीन्स इसका जो भी बुक कीपिंग के प्रोसेस है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, साइंटिफिक कह सकते हैं, साइंटिफिक सिस्टमेटिक प्रोसेस, जिससे कि आपका अगर आप जैसे आपके खाते में पैसा निकला वो आज आप आज का पता कीजिए, चाहे चार साल पहले का पता कीजिए, आपको किस डेट पे क्या रुपया निकला था, किसको गया था या किससे पैसा आया था, वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो यही आपका सिस्टमेटिक बुक कीपिंग का मेथड है कि आपको जब भी जहां भी आपको एंट्रीज चाहिए आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, खाते से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका अब कहते हैं कि अब इनकम टैक्स कैसे पता चलता है कि खाते से क्यों नहीं ज्यादा लोग अकाउंट का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना जो बिजनेसमैन होते हैं ज्यादा कहेंगे कैश मिल जाए बढ़िया है, पेटीएम नहीं यूज करना चाहते हैं, है? उससे क्या है कि उनकी इनकम का पता चल जाएगा। भाई आपके खाते में अगर दिन भर में 20,000 रुपया आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो हम दुकान चलाते हैं, 20,000 का आ रहा है, अगर 5% भी प्रॉफिट मानेंगे तो उसको कुछ इनकम हो रही है, साल भर की इनकम। अब किसी का 20,000 किसी का 50,000 ऐसे आएगा, महीने का आएगा, तो अगर 5% के हिसाब से भी प्रॉफिट मानेंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि छोटा मोटा ट्रांजेक्शन दिखाते हैं कि हाँ हमको फोन पे से आ गया, बाकी बड़े अमाउंट कहते हैं कैश लेते आओ काम कर लो। कैश में क्या कि आप पैसा छिपा सकते हैं, ठीक है, इसलिए लोग ज्यादातर उसको यूज नहीं करते हैं कि हमारी जो भी इनकम है वो असली वाली पता चल जाएगी। तो क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हैं बैंक के ट्रांजेक्शन्स, अगर वो क्या है ऑन रिकॉर्ड है, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं भी। जैसे आपको बताया था ना कि आपको बैंक अकाउंट का क्या लाभ है और चेक का क्या लाभ है, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू बैंक, तो क्या होता है वो आपके लिए एक लीगल प्रूफ हो गया। और इसीलिए अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऑनलाइन देते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड है, या फिर जैसे आप कोई उधार लेता है कभी किसी, जो प्रोफेशनल उधार देने वाले रहते हैं क्या कहते हैं साहूकार टाइप के लोग क्या करते हैं, अंगूठा लगवाएंगे, साइन कराएंगे कि आप 1,00,000 रुपया ले रहे हो और नहीं दे पाओगे तो ये हो सकता है घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, जो भी जमीन ले लेंगे, उस तरह से आपका वो इक्वल अमाउंट का कुछ इक्वल या उससे कुछ ज्यादा। अब किसी के पास जमीन है पैसा नहीं है तो क्या कर, ठीक है जमीन गिरवी रख सकते हैं, अब गिरवी रखने में ये पैसा नहीं दे पाया तो वो अपने सारी चीजें ले लेते हैं, वो तो खैर आपका पुराना सिस्टम वो सब अब नहीं है, मीन्स ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बाकी जो भी चले। खैर कमिंग बैक टू बुक कीपिंग, क्या ये रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट वाइज, ठीक है। इसमें फिर क्या कहते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। अब क्या है कि इसमें जो भी बैंक में या बुक कीपिंग का जो भी मेथड है वो आपका एनुअली, जैसे हम कहते हैं कि हमको ऑडिट कराना है, आप सुनोगे ऑडिट कराना है, क्यों, रिटर्न फाइल करनी है, तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उससे आप निकाल सकते हैं कि आपने साल भर में कितना आपके पास पैसा आया, कितना आपने खर्च किया, तो उसका एक निकालने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। अब आपकी इनकम अगर टैक्सेबल आएगी तो आपको उस पर कुछ टैक्स देना है, इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो आपको नहीं देना है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं दिखा रहे हैं और काम कर रहे हैं और लगा कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपकी इनकम से ज्यादा है, तो आपको फिर बाद में प्रूफ करना पड़ता है कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर आपका प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं है। और खैर अभी क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जो मानते हैं वो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसके अगले साल, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, ठीक है। डबल एंट्री कहां गया,
इसमें एक है पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक क्या होता है, अब सिंगल डबल कॉलम का भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसमें देखिए पहले कि ये पेटी कैश बुक क्या है। जैसे आप क्या कहते हैं, सिंगल बुक में एंट्री देखे थे, डबल बुक में एंट्री देखे थे, उसमें क्या थे, ये बड़े ट्रांजेक्शन जो उसमें आते थे, जो बड़े ट्रांजेक्शन बिजनेस के होते हैं उसकी एंट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े थे। बड़े बड़े कैसे, कि आपका जो भी जैसे आ रहा था कि आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, इधर उधर जो भी बड़े ट्रांजेक्शन किए, 5,000, 10,000, 50,000, इस तरह के ट्रांजेक्शन आपके किस में आ रहे थे, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में, ठीक है। थ्री कॉलम पैटर्न कैशबुक भी होता है जिसमें एक डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड किया जाता है, ठीक है। पैटी कैशबुक में क्या होता है कि छोटे छोटे पैटी, मतलब जैसे आप पैटीज खाएंगे ना, पैटीज क्या है, छोटा सा टुकड़ा होता है, तो वैसे ही पैटीज में स्मॉल, छोटा, छोटा मतलब इतना छोटा कि आप उसको वैसे लिखोगे जैसे कि अभी आप अगर जो पेटीएम यूज करते हैं, अगर आप जाके एंट्री कराइए पासबुक में, तो पता चला है कि 15 दिन में ही आपका अपना ये कहते हैं पासबुक की एंट्री सब फुल हो जाएगी, कॉपी पेज सब भर जाएगा। क्यों, कोई 5 रुपया खर्च किया चाय पी के, कोई 10 रुपया खर्च किया समोसा खा के, इस तरह से इतनी ज्यादा एंट्री हो जाएंगी कि आपको बाद में क्या होगा कि आपको दिक्कत ये होगी कि हम क्या क्या उन्होंने छोटी छोटी एंट्रीज करके वो सब भर जाता है। तो जो भी छोटी सी एंट्री होती है ना, मतलब स्मॉल अमाउंट की, उनकी सारी एंट्री वो पैटी कैशबुक करते हैं, छोटी एक बुकलेट बना दिए उसमें वो करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, इट इज अ फॉर्मल, इट इज अ फॉर्मल समराइज्ड ऑफ पैटी कैश एंट्रीज। क्या कहते हैं, इसमें एंट्री करते हैं पैटी कैश का एक्सपेंडिचर, पैटी कैश एक्सपेंडिचर का मतलब छोटे छोटे कैश एक्सपेंडिचर है। जैसे कोई कौन कौन से एग्जांपल है इसमें, चाय का है, बस फेयर का। अब मान लीजिए किसी कोई आप कोई कंपनी चला रहे हैं, या कोई छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं, या कोई एक दुकान ही चला रहे हैं, होलसेल ही चला रहे हैं, तो वहां 4 लोग बैठते हैं, उनको चाय खर्चा, या स्टाफ ही है 4 लोग है, चार अपना रखे हैं, कोई 4 लोग रखे हैं, उनको दिन में 2 बार चाय पिला रहे हैं, ठीक है। किसी कहीं से भेज रहे हैं, कहीं से बुला रहे हैं, तो बस का किराया या ठेले का किराया, भाड़ा वाड़ा जो भी करते हैं, है? आपके जो भी दुकान है वहां पे न्यूज़पेपर मंगाते हैं उसका खर्चा, खुद की गाड़ी रखे हैं, सामान इधर उधर ढोना है उसका फ्यूल का खर्चा, स्टेशनरी पिन का, स्टेपलर का खर्चा, सफाई वफाई कराने का खर्चा। जैसे इस माली इस समय आपका दुकान उकान में हर दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में 2 से 3 बार कराते हैं कि सैनिटाइजेशन कराना है। सैनिटाइजेशन तो ऐसा था ना कि आपके पास एक अलग से एम्प्लॉय रखे हो कि उसको हर महीने पैसा दोगे, रोज वो सैनिटाइजेशन करता है। भाई सैनिटाइजेशन करने वाले कुछ अपना चला रहे हैं, उनको आप फोन करो कि आएंगे सैनिटाइज करेंगे, पैसा लेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ लेबर्स वाले कि आप भाई पैसा दे बुलाए कि हाँ दिन भर का काम है, 2 लोग को बुलाए, काम कराए, पैसा दिए, लौट गए सब। अब दिन भर के काम के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं रखेगा कि हाँ, जैसे बुद्धा रखता है, बुद्धा के पास में उसके लेबर, उसके ग्रेनाइट मार्बल वाले, उसके कहते हैं बिजली वाले, सब परमानेंट एम्प्लॉय हैं, वहीं 24 घंटा रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम रहता है, काम करते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जो स्मॉल एंट्री, जिसको 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का काम है, तो वो अपना हायर करेंगे, खर्चा करेंगे। तो इस तरह की जो भी एंट्रीज हैं, चाय वाले जैसे हो गया तो कहता है रिफ्रेशमेंट, ठीक है। अब गर्मी में कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, जाड़े में चाय मंगाते हैं, तो उस हिसाब से उसको कहता है रिफ्रेशमेंट में डाल देंगे। बस फेयर मतलब जो भी आपका ट्रेवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, कोई बस से आया, कोई ऑटो से आया, कोई चीज आया, तो उसका ट्रांजेक्शन। न्यूज़पेपर वगैरह क्या है, ये सब स्टेशनरी में आ जाएगा, समझ रहे, स्टेशनरी में सब आ जाता है, स्टेशनरी में ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब स्टेशनरी के लिए जैसे आपका पिन भी स्टेशनरी में आ गया, मान लीजिए कोई कंप्यूटर रखे हैं, कंप्यूटर का कार्टेज लाना है, कंप्यूटर का प्रिंटर का पेज खत्म हो गया, तो वो सारी चीजें स्टेशनरी में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको किस में आएंगी, स्मॉल पेटी अमाउंट एक्सपेंडिचर्स जो भी होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ये नहीं है कि महीने में 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, ऐसा नहीं। अब रोज छुटपुट खर्चा है तो रोज छुटपुट खर्चा, अच्छा कुछ चीजें क्या होती हैं जिसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। मिसलेनियस कैसे,
कि अब दो चार 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया कहीं इधर उधर खर्च हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। हम उसको भी देखेंगे अभी कि मिसलेनियस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अभी इसमें क्या है कि इसमें भी जो होते हैं टाइप्स, अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज, तो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। डेबिट मतलब जो हमारे पास पैसा आया। अच्छा, इसमें क्या है कि ज्यादातर कैसे होता है, इसमें कि ज्यादातर डेबिट केस कैसे होता है कि डेबिट के लिए मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेन हेड कैशियर होगा, तो हेड कैशियर के पास क्या जिम्मेदारी है कि क्या रुपया का आया क्या रुपया गया, वो सारी चीजें एंट्री करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े वाले। अब मान लीजिए छुटपुट वाला है कि अब 10 रुपये दीजिए चाय लाना है, 20 रुपये दीजिए समोसा लाना है, वो दिन भर नहीं करेगा कैशियर, हेड कैशियर, तो क्या करेगा, एक और आदमी को, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि लो 2000 रुपया अब महीने भर का अपना तुम सिम चलाओ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उसमें क्या क्या करना है, उसको जो चाय मंगाएगा चाय, समोसा मंगाएगा समोसा, है कोई सफाई वफाई के लिए आ गया वो, सैनिटेशन के लिए आ गया वो, है कोई मान लीजिए कहीं आपको कोरियर ही करना है फर्नीचर की दुकान है, कोई अपना देख लिया कि हाँ भाई ये छोटा सा कोई है मंदिर टाइप का कि हाँ भाई, आप कल देखे होंगे अब ऑनलाइन बहुत चलता है, अमेजोन से लोग खरीदते हैं प्लास्टिक की बाल्टी से लेके और लोहे का डंबल अम्बल सब आता है ऑनलाइन, तो भाई ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर को मेल करना है, तो मेल का एक्सपेंस ज्यादातर अभी देखोगे अमेजोन वगैरह पे तो क्या दिखाता है, ज्यादातर दिखाता है कि फ्री डिलीवरी। तो फ्री डिलीवरी मतलब जिस जो दे रहा है वो अपने पास से देगा, उसका उतना प्रॉफिट मार्जिन उसमें होगा, ठीक है। ये सारी तरह की एंट्रीज इसमें होती हैं। अब इसमें ये आपको पता है कि डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट वाले डेबिट होते हैं और क्रेडिट वाले पेमेंट वाले होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन आता है टाइप्स ऑफ पेटी कैशबुक। अब टाइप्स ऑफ पेटी कैशबुक में क्या आता है, टाइप्स ऑफ पेटी कैशबुक में क्या आता है कि इसमें दो टाइप्स के हैं, एक जनरल फॉर्मेट और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट क्या है, सेम जैसे सिंगल कॉलम वाली एंट्री होती है। सिंगल कॉलम मतलब पहला आएगा डेट कॉलम, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स है जो भी डिटेल्स उसमें रहेंगे, फिर तीसरा कॉलम आता है लेजर फोलियो का, और चौथा कॉलम जो आता है उसमें वो आता है अमाउंट का, कैश का, ठीक है। ये सिंगल वाले हैं, सिंपल वाले, सिंगल या सिंपल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये वाले जो एंट्रीज होती हैं सेम जनरल फॉर्मेट वाले सब सेम होते हैं, मतलब अगर पेटी कैशबुक छोटे एंट्री का बना रहा है तो वैसे ही बनाएगा जैसे दो साइड कर लेगा, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, और डेबिट साइड वाला हमेशा क्या किधर रहता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिट वाला हमेशा राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो उस तरह से एंट्री करेगा। दूसरा जो तरीका है इसमें वो है स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्या है कि वो ना सिंगल कॉलम की तरह होता है, ना डबल ना ट्रिपल, वो थोड़ा अलग है, ठीक है। अलग कैसे है, अब उसमें ये आप उसका फॉर्मेट समझिए कैसे है। जैसे मान लीजिए ये एक पेटी कैशबुक फॉर्मेट है फॉर स्पेशल एंट्रीज के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि कोई ट्रेडर है, ए ट्रेडर है मान लीजिए, उसमें एंट्रीज करनी है, तो एंट्री करने के लिए क्या बनेगा, पहले आपका एक तरफ हो जाएगा डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड, ये हर जगह कॉमन है, ठीक है। कहां कहां कॉमन है, ये सिंगल कॉलम में भी ऐसे ही होगा, डबल कॉलम में भी होगा, ट्रिपल कॉलम में भी होगा, ठीक है, ये हर जगह डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। अब इसमें कैसे बता रहा है कि डेबिट साइड में क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट रुपया कितना मिला उसकी एंट्री हो गई, ठीक है, रुपए में। डेट हो गया दूसरा कॉलम, डेट किस महीने किस साल किस महीने का, पूरे महीने का डिटेल रहेगा। फिर आता है तीसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, ठीक है, उसके बाद आता है कि उसमें एंट्रीज करते हैं कौन कौन से, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, बिल नंबर हो गया या आपका वेंडर नंबर हो गया, जो भी आपके छोटे मोटे हैं उसका सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आखिरी अमाउंट जो इसमें आता है डेबिट साइड में, सॉरी हाँ डेबिट साइड में, वो आता है अमाउंट पेड, कितना रुपया दिए, ठीक है, इसमें क्या आता है कितना रुपया दिए।
अब देने के बाद फिर नेक्स्ट जो कॉलम आता है उसमें उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट। अब इसमें इसका यही मेन है, इसमें अभी इसमें क्या कहते हैं कि जैसे आपका अलग अलग खर्चा है, अभी आप इसमें ऊपर की एंट्री देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें, मिस्टर एक्स द पैटी कैशियर, मतलब जो पैटी कैशियर वाले हैं जिनको एक एक तो हेड कैशियर होगा उनके बाद एक पैटी कैशियर है जिसको पैटी कैशियर ऑफ मैसर्स ए ट्रेडर रिसीव्ड रुपीज 2000 रुपया प्राप्त किया, किससे, हेड कैशियर से प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब हेड कैशियर के बाद क्या हो रहा है, हेड कैशियर से प्राप्त कर लिया उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन किसने प्राप्त किया, मई एक को 2018 को प्राप्त कर लिया फ्रॉम हेड कैशियर, हेड कैशियर से मिल गया। अब उसको क्या करना, फॉर द मंथ, पूरे पूरे महीने के लिए, मई महीने के मिल गया, डिटेल्स ऑफ पैटी एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस आर लिस्टेड हियर। अब क्या महीने का एंट्री दिया हुआ, कैसे दिया हुआ, ऑटो फेयर है, ऑटो किराया, दूसरा क्या दिया है, कुरियर सर्विस, कोई सामान भेजे उसका कुरियर का खर्चा, पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल के लिए पोस्टल स्टैम्प्स मतलब टिकट वगैरह का, ठीक है, पोस्टल टिकट का। उसके बाद क्या कर रहा है, इरेजर्स, वो जो मिटाने वाला स्टेशनरी का आइटम हो गया। फिर क्या हो गया, स्पीड पोस्ट, ये भी आपका कुरियर वाले में आ गया या पोस्टेज वाले में समझ सकते हैं इसको। फिर आपका टैक्सी फेयर, टैक्सी का फेयर भी पैसा दिया, मतलब वो फिर से आपका ट्रेवलिंग अलाउंस कर सकते हैं या फिर कन्वीनियंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑटो फेयर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट का फिर से दिया, फिर से ये आपका कुरियर वाला जो आता है वही कॉमन है, कुरियर कर लो चाहे पोस्ट कर लो। ठीक है, फिर क्या है, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब वही चाय कोल्ड ड्रिंक जो भी कहो है। कार्टेज किसमें लगता है, प्रिंटर में लगता है, स्टेशनरी में आ जाएगा। कंप्यूटर स्टेशनरी मतलब कंप्यूटर का जो भी स्टेशनरी है, पन्ना वन्ना जो भी आएगा उसका, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। बस फेयर, ये भी आपका किराया आ गया उसमें। ठीक है, फिर उसमें क्या आता है, टेलीग्राम, टेलीग्राम मतलब इसमें आ गया जो भी आपका या तो टेलीफोनिक जो भी उसका बिल आता है उसका। अब ये क्या है कि टेलीफोनिक भी आता है, या मान लीजिए किसी को आपने एक मोबाइल रखा हुआ है कि हाँ ये इस पे सिर्फ कॉल आएगी, कॉल फोन करना है, जो एक पर्टिकुलर किसी को पकड़ा दिया गया कि हाँ जो भी बिजनेस डीलिंग होगी कस्टमर का फोन आएगा आपको डिटेल बताना है, तो अलग से हो गया, तो वो मिसलेनियस में है कि भाई उसका मेन खर्चा कुछ नहीं है, मिसलेनियस है कि महीने का इतना रुपये चार्ज करना है, वो काम चलेगा उसमें। या फिर टेलीग्राम्स वाले भी आते हैं उसमें। फिर क्या है, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी का भी अच्छा, अगर इसमें कहा जाए ऑफिस स्टेशनरी के बजाय कह दिया जाएगा ऑफिस का सैनिटाइजेशन। ठीक है, सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा है कि सैनिटाइजेशन रोज तो करते नहीं है, वो कभी कभी करते हैं है? रिफ्रेशमेंट वगैरह, फिर इसमें कॉलम कट गया। तो ये सारी इस तरह से एंट्रीज होंगी। तो अगर आपको यहां देखा जाए कि यहां एंट्री कैसे कैसे होगी, इसको थोड़ा समझिएगा कैसे हो रहा है ये। देखिए अभी क्या है, यहां पे आपका कौन कौन सी एंट्रीज दिख रही हैं, है स्टार्टिंग से, जैसे आपको यहां पे बहुत सारे क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे आपको पोस्ट दिख रहे हैं कि आपको बहुत सारे पोस्ट मतलब भेजे जा रहे हैं। तो पहला कॉलम क्या बना देंगे इसमें, पोस्टेज, मतलब यहां कर देंगे पोस्टेज। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी आप इसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, जहां भी खर्चा कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें और कौन सा खर्चा देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा तो उसको किधर एंट्री करेंगे, उसमें किस नाम से एंट्री करेंगे, उसको कन्वीनियंस बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है तो कन्वीनियंस मतलब टैक्सी वगैरह का, कहीं भी कोई जा